स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. हर कोई आते जाते एक ही एडवाइस देता है प्रेग्नेंट लेडी को, प्लीज़ गेट सम स्लीप इफ़ यू कैन. होल नाइट कई बार स्टेयर करते हुए आप क्लॉक पे निकाल देते हैं, सोए अब सोएंगे अब उठेंगे. नेचुरली नो एक्सपैंडिंग बेली, सो मेनी ट्रिप्स टू द वॉशरूम, क्रॉनिक पेन, ऑल्सो अनसर्टनिटी अबाउट कि फ्यूचर में सब ठीक होगा. विल आई बी एबल टू हैंडल द प्रेगनेंसी, विल आई बी एबल टू हैंडल द बेबी, हाउ विल आई हैंडल लेबर पेन्स. मॉर्निंग टू इवनिंग तो सब टाइम इज एब्सोल्युटली गुड, यू आर बिजी डूइंग समथिंग. नाइट में एज सून एज यू लाई डाउन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो वाई कांट प्रेगनेंट लेडीज स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेस्टफुल स्लीप? वी हैव एम्पल रीजन्स टू इट विच वी हैव ऑलरेडी सीन. But what we have to do ki we get a restful sleep, and why is it important to get a restful sleep? So if we know that, to hum sare kuch karenge jisse hum 6 to 8 hours ki achhi sleep le paaye. You know 1998 2000 mein National Sleep Foundation jo hai usne ek survey kiya tha, and they found out that 78% of pregnant patients, they have chronic sleep problems. Our body in pregnancy, you know, there is a relaxin hormone which is secreted. वो hormone हमारी body को बहुत loose कर देता है. वो important है. Ligaments हैं, joints हैं, loosen up होंगे तभी तो इतना बड़ा baby समाएगा अंदर. But because of that looseness, our body is constantly, you know, aching, paining. कभी foot, कभी back. Even the neck and calf muscles, feet ke niche. So all this is a cascade of pains, no? This actually delays our sleep. So ek to if we have the knowledge ki this is only during pregnancy and because of pregnancy, at least the second component jo mind unnecessary create karta rehta hai, doubtful questions na, kab tak, kyun, kya hoga, wo to nahi honge. सो एक तो वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट फर्स्ट. छोटे छोटे प्रिंसिपल्स आप फॉलो अगर करेंगे, यू विल बी एबल टू मैनेज दैट स्लीपलेसनेस विच यू आर हैविंग. यू डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी बिग. फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन टू स्लीप, वी हैव टू सिक्रेट अ हार्मोन, और उस हार्मोन को हम मेलाटोनिन कहते हैं. बहुत ही माइल्ड सा टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है ये मेलाटोनिन, एंड जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ना, उनको वो दिया जाता है एज अ रेमेडी, एज अ मेडिकेशन, सो दैट दे कैन बैलेंस देयर स्लीप साइकिल्स बिकॉज ऑफ द टाइम लैग एंड जेट लैग. बट प्रेगनेंसी में हमारे पास वो ओनेस नहीं है उस हार्मोन को बाहर से मेडिकेशन की तरह लेने की. बट सोना उतना ही ज़रूरी है, तो हमें अपने बॉडी के रिजर्व्स का मेलाटोनिन बढ़ाना पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई वी लुकिंग फॉर ऑप्शंस जो नेचुरली हमारे इस मेलाटोनिन को बढ़ाएं. यू नो मेलाटोनिन इज़ अ हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में है वो सिक्रेट करता है, एंड देर आर लॉट ऑफ स्टडीज टूडे विच आर प्रूविंग डेफिनेटली मेडिटेशन इंक्रीजेज मेलाटोनिन बाय 300 टाइम्स. सिर्फ डबल ट्रिपल नहीं करता है, 300 टाइम्स हमारे लेवल को बढ़ा सकता है और बढ़ाता है. ये स्टडीज़ हुई हैं इन रीसेंट पास्ट, रीसेंट भी मतलब 2014, 15, 16 में, कोई बहुत पुराने भी नहीं है. सो इफ़ वी अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू स्लीप बेटर फॉर अ हेल्दी बेबी, व्हेन एवर योर बॉडी इज़ एट रेस्ट, व्हेन इट इज़ स्लीपिंग, हमारे बॉडी के जितने ATPs है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बेबी की नर्चरिंग में यूज़ हो रही. होल डे वी आर बिजी, इफ़ वी आर वर्किंग, वेदर वी आर नॉट, बट व्हेन वी आर नॉट स्लीपिंग, ATPs यूज़ हो रहे हैं बॉडी के अपने कामों में, अपने सिस्टम्स के वर्क में. बट इफ़ यू हैव अ गुड रेस्टफुल स्लीप, वो सारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है आपकी बेबी की ग्रोथ और डिवेलपमेंट में. सो कितना ज़रूरी है हमें मेलाटोनिन को सिक्रेट कराना. दूसरा, जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो सिर्फ ये मेलाटोनिन का हार्मोन बढ़ता है, द सेकेंड थिंग विच हैपन्स इज जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं, जो हमारी स्लीप की बीटा वेव्स हैं, वो भी साइलेंस होती हैं. सो हमारी स्लीप जो है वो मोर डीप होती है. समटाइम्स यू नो पीपल में जस्ट स्लीप फॉर 6 to 8 आवर्स बट दे डोंट फील फ्रेश,
And in fact, all of us today are doing it. So that is only because our mind is not at rest before we sleep. There is too much of screen addiction which we have. Pehle TV hota tha, abhi WhatsApp hai. So I always tell my pregnant mothers, please put off your WhatsApp. Just have a phone if you are really keen to have one. Jo answer karo, off karo, text message karo. Kuch bhi aur nahi dekho. Sone se pehle TV dekhte, nahi dekhte, but WhatsApp dekhte. So mind doesn't go switch nahi karta wo sleep cycle mein suddenly alert state se sleep cycle mein ekdam ghus jayega. Pregnancy mein to waise hi har cheez bahut delay hoti hai. We are so clear about it. Abhi to we have become more knowledgeable about so many things. So that is the reason sleep is disturbed. And definitely thoughts about future, about our labor, about taking care of the baby, because it's a new phase that you are going to go into. Ek taraf you have joy of parenthood, but also, you know, pregnancy and labor is a time, you know, it takes out the worries. I mean, black belt of anxiety, I can say to a mother. There is so much today's information that they actually get so anxious. Ho jate. And night ko when everything else is rested, our mind starts to catch up with the information which it has gathered over the entire day. These few little things, if you can take, I'll just note it down for you once again. Take a warm water bath. Listen to some good relaxing music before you are sleeping so that your mind is absolutely happy and silent. If possible, a half a glass of milk to release your tryptophan. Lastly, immerse your feet in some warm water with rock salt and then just lie down, listening to that beautiful music which is going to release melatonin in your body to induce your natural sleep and give you a deep REM sleep. Let your last thought before you are sleeping be with your baby. Tell your baby, this is night time, my angel. Now both of us are actually together and going to sleep and wake up to a very beautiful day the next morning. I am sure if you practice this for at least 10 days, make it a point to do this for 10 days. And then you are going to tell everybody that I am sleeping very nicely during this phase of pregnancy. So that is how we will turn the statistics and we can very easily sleep nicely in pregnancy also. But you have to follow these few little things together with your baby. Automatically baby grow achha karega, aap fresh hoge in the morning. And ye jo chronic baat hai na, jo sab bolte hai neend nahi aate, you will never be saying that. Because aapne us pe mehnat kari hai. आपने फॉलो किए हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्लीप हाइजीन सो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू स्लीप बेटर एंड योर बेबी इज गोइंग टू बी अ हेल्दी एंड हैप्पी बेबी